P20 के सफल आयोजन को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने खुशी जाहिर की है। संसद भवन परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि P20 सम्मेलन का संयुक्त घोषणा पत्र सबके सहयोग से, सबकी भागीदारी से संभव हो पाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नवे G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 के सफल आयोजन पर खुशी जाहिर की है। आज संसद भवन परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने P20 समिट के सफल आयोजन के लिए सभी प्रतिनिधियों का आभार जताया है। G20 सम्मेलन में G20 देशों और आमंत्रित देशों के लीडर्स आए और उस लीडर समिट के अंदर सामूहिकता के डिक्लेरेशन हुआ, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं P20 में भी नजर आया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सम्मेलन में अलग अलग संसदों के अध्यक्ष आए, सीनेट के चेयरपर्सन आए, कई देशों के सीनेट के चेयरमैन और सांसद दोनों आए। अब तक इस सम्मेलन में 29 देशों की भागीदारी रही और 436 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। वहां पर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के अलग अलग नाम हैं संसदों के, उनके अध्यक्ष आए, सीनेट के चेयरपर्सन आए, कई देशों के सीनेट के चेयरमैन और वहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव दोनों लोग आए, सभी देशों का विशेष रूप से सहयोग भी रहा और सहभागिता भी रही। अभी तक इस सम्मेलन में 29 देशों की भागीदारी रही, जिसमें मैंने बताया कि 48 स्पीकर, सीनेट चेयरमैन, डिप्टी स्पीकर, सीनेट के डिप्टी चेयरमैन, कुल 48 संसदों के प्रतिनिधि और 49 संसद सदस्य जो इस सिस्टम में आए और 436 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि P20 सम्मेलन का संयुक्त घोषणा पत्र सबके सहयोग से, सबकी भागीदारी से संभव हो पाया, इसके लिए सभी सदस्य देशों को धन्यवाद देता हूं। P20 सम्मेलन में 29 देशों और 48 संसदीय पीठासीन अधिकारियों, प्रतिनिधियों और संसद सदस्यों ने हिस्सा लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मैं यह कह सकता हूं कि नवे P20 सम्मेलन में सबसे ज्यादा देशों की उपस्थिति, सबसे ज्यादा प्रतिनिधियों का आना और सबसे लंबी चर्चा पर संवाद करना G20 सम्मेलन का प्रभाव P20 समिट पर भी पड़ा है। कैमरा पर्सन विद्याधर बारिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़।